टॉन्सिल की प्रॉब्लम हो जाती है। गले की गांठ और टॉन्सिल के लिए क्या करें? गले की गांठ के लिए तो कपालभाति प्राणायाम सबसे अच्छा है। कपालभाति प्राणायाम और उज्जायी प्राणायाम, ये दोनों प्राणायाम करा देने से गले की गांठ की प्रॉब्लम 100% अच्छी हो जाती है। चाहे वो टीबी की गांठ हो, चाहे वो कफ के कारण से गांठ हो गई हो, चाहे जो है वो ऐसी बेनाइन गांठ हो, किसी भी तरह की गांठ हो, कपालभाति प्राणायाम से 100% वो ठीक होती है। हाँ, बच्चों को कफ आदि के कारण से या टोन्सिल होता है उससे भी जो है गले में हल्की हल्की गांठें हो जाती हैं, और टोन्सिल की प्रॉब्लम के लिए भी त्रिकुटाचूर्ण 50 ग्राम, उसमें प्रवाल पिष्टी 5 ग्राम, अभ्रक भस्म 5 ग्राम, ये मिला करके, और ज़्यादा ही कफ टोन्सिल बहुत क्रॉनिक हो तो उसमें स्वर्ण वसंत मालती भी 1 ग्राम मिलाया जा सकता है। ये बच्चों को चने के बराबर शहद से चटा दें, उससे उनकी टोन्सिल की भी प्रॉब्लम दूर होगी और गले की खराश और गले की गांठ भी उससे दूर होगी। जिन बच्चों को बहुत ज़्यादा टोन्सिल रहता है उनको बबूल की छाल की कुल्ले करवा दें, उससे गांठ में बहुत जल्दी फायदा हो जाता है, टॉन्सिल में भी। और हल्दी को थोड़ा सेक करके उसको भी गर्म पानी के साथ या दूध के साथ दे दें 1 ग्राम, और बड़ी उम्र में 2 ग्राम तक भी लिया जा सकता है। तो ये भी गले की गांठ और टॉन्सिल के लिए बहुत ही अच्छा होता है। गले की गांठ हो या टॉन्सिल की प्रॉब्लम, उसके लिए अंगूठे के नीचे ये पॉइंट होता है, इसको भी दबाए करें, ये थायराइड का और गले का पॉइंट होता है, और पहली अंगुली और अंगूठे के बीच में यहाँ पीछे की तरफ से यहाँ से ये पॉइंट होता है, तो थोड़ा तेल लगा करके यहाँ से ऐसे दबा देने से भी जो है ये गले की गांठों में और टॉन्सिल में विशेष रूप से लाभ होता है। जिनको भी टॉन्सिल की प्रॉब्लम हो या गले में किसी भी तरह की गांठ हो, ऐसे बच्चों को चॉकलेट से बचना चाहिए, आइसक्रीम से बचना चाहिए, और किसी भी तरह के कोल्ड ड्रिंक्स का सेवन नहीं करना चाहिए। जो खट्टी चीज़ें हैं उनसे भी बचें, और ठंडा पानी भी ना पिएं, फ्रिज का पानी तो कभी ना पिएं, थोड़ा गर्म पानी का ही सेवन करें।